टाइम बाद खा रही हूँ आलू का पराठा। ना तो नहीं चाहिए, पर मेरा बाकी सबका खाना बन गया है, मटन और चावल ये हो गया है एंड ये मेरी थाली। एंड मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ, मोटी रोटी उसमें कह रही थी। ये अभी ना शिवांश का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उसकी पेस्ट्री है, थोड़ी सी मैं खाने वाली हूँ, ज्यादा नहीं। तीन तीन लगाए तो जला भी दिया शहर से। हाय गाइस, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो चुकी है, यहाँ पे देखो हमारे दो दो बच्चे, एक ये बच्चा और हाथ ठंडे हो रहे मेरे, अरे एक वाला बच्चा भाभी ने पकड़ा है, भाभी ने उसके पाँव के नाखून काट रही मुँह से, तो बीच में रोने लगी थी, थोड़ा घुमा रही है। तीन बच्चे थे, तीन बाकी सब काट ले, मतलब तीन नहीं काटने दे रही। हाँ वो बच्चे तो भाभी चुप करा रही, फिर थोड़ा सा काटेगी, हाथ के तो भाभी ने काट दिए थे परसों, कब काटे थे, फ्राइडे को ही ना, फ्राइडे को काट दिए थे पाँव के रह गए। मांस शिवू शिवू मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। दिखा कैसे है, दांत दिखा दे, अपने दांत दिखा दे, दांत दिखा दे, दांत दिखा। वाइप्स के साथ तो खेल रहा, वो मम्मी को दे रहा है किसी और ने, मम्मी को अभी उसको नहीं हो रहा है उसने। अब वो उसके पास है ना, पहले साहब उसको आलू के पराठे बना रहा है, तो आलू के मेरा पानी भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया, तो भाभी पकड़ लेगी, मैं नहा के आ जाऊंगी इसको, धूप सिखानी, धूप भी ठीक ठाक आ गई है, यहाँ पे लेके बैठ जाऊंगी इसको धूप में। बाहुबली जग्गू करता है ऐसे, छोटी सी बाहुबली जग्गू करता है, कहता है मेरा कालुआ है, मेरा भलुआ है। Happy birthday to you। छमू बे जी गुल्ली का पटे कब है? शिवांश ने आज 11 महीने कंप्लीट कर लिए, शिवांश ने उसको लग गया अम्बल ऐसे वजह से। शिवू शिवू उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है छोटी बुल्ली में, वो मम्मी को देख रहा है ना कि मम्मी ने उसको पकड़ा से गुस्सा आ रहा है। देखो सॉरी 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 भाई ऐसे नहीं लिटाना, बस ऊन डिग्री वो बोला मुझे पकड़ो मम्मा उसको, वो बोलती मेरे को ऐसे रखो, भाई तू नीचे बता दियो नीचे। तो यहाँ हमारे पराठे बन चुके हैं, फिर चटनी है, घी है और चाय है, और यहाँ पे हमारी गुन्नू है, इसको सोना नहीं है, खेलना है, बट अभी फोन दूर रख लेती हूँ, बट ऐसा है कि अभी थोड़ा नीचे खेल रही थी, मैं सोच रही खा लेती हूँ, रोएगी तो भाभी कह रही पकड़ लूंगी, तुम खा लो, पर्दा देख रही हो सामने। मैंने इसमें खा लेती हूँ जितना भी थोड़ा चुप है, उसके अंदर नहाने जाना, पानी भी मेरा गर्म हो चुका है और बंद भी कर देगा क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया था, और अगर मैं जल्दी नहीं खाऊंगी तो ठंडा भी हो जाएगा, फिर गुन्नू की मालिश भी करनी है, धूप भी सिखानी है इसको, मैं नहा के आ जाऊँगी तो धूप वगैरह सिखा लूँगी, फीड वगैरह तो करा दिया मैंने। एंड मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ आलू का पराठा, घी के साथ खाती हूँ पराठे, ना बिना घी के मुझे अच्छे ही नहीं लगते हैं, मतलब मैं खा ही नहीं सकती एक तरीके से। बढ़िया हो रहा है। तो अभी मैंने नहा लिया है और अब उसकी मालिश हो रही है पीछे, फिर धूप ही सुखा लेना, इससे बच्चे को पीलिया भी नहीं होता और सही भी रहता है, उसको मालिश करना और अभी नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बड़ी होगी तो पसंद आ जाएगा क्योंकि शिवांश को भी नहीं पसंद था, बड़ी होगी तो शायद आ जाएगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी गुन्नू की मालिश हो गई है, अब यहाँ पे खेल रही है, सोते का पता नहीं है तो खेल रही। गुन्नू ओ कौन है, गुन्नू है, गुन्नू है, ये एक्सन एक्सन, वहाँ पे भैया भी सो रहा है बगल में, यहाँ पे बुल्ली सो रही है, यहाँ पे मम्मी सो रही है, उसको तो नींद आ रही नहीं, मुझे आज में सोच सो ही जाती है तो दिन का खाना बनेगा, अब करना क्या है ना गन्ना।
मजे मारेंगे मजे मजे। इसको जुराब भी बना दी, जुराब नहीं बनाई मैंने अभी। नीचे को कर दो ना पैर जामे ऐसे कर दो, जुराब नहीं बनाई इसे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बहुत काम करा है, बहुत आराम करा है तो थकान लगी है, इसलिए मुझे आराम करना। मैं सो के थक गई इसलिए थोड़ा सा और सो जाती हूँ। गुन्नू भी थक गई है ना, आराम करके थक गई हूँ इसलिए थोड़ा और आराम कर लेते हैं। हाँ भाई, तो अभी यहाँ पे दिन का खाना बनने लगा है, गुन्नू सो गई है और अभी बन रहा है सबके लिए। मटन अभी मेरे बनेंगे, मटर पनीर मसाला मम्मी ने भून ही दिया है और बाकी एक मटन खाएंगे। भाभी मतलब पनीर ही खाएगी, भाभी नॉन वेज नहीं खाती, दीपू भी नहीं खाते, दीपू में भाभी खाने वाले मटर पनीर, बाकी सब खाएंगे मटन। ऑलमोस्ट बन गया है। इसके बाद चावल भुने में चावल, क्योंकि नॉर्मल चावल भी मैं नहीं खा रही हूँ, जस्ट बिकॉज वो ठंडे होते हैं, भून के खाओ तो ठंडे नहीं होते हैं, है ना। हाँ, बिना भुने मतलब नहीं खाते। हाँ, घी में या तेल में। बाकी गुन्नू सो गई है, मैंने गेट बंद कर दिया, बार बार देखती रहूँगी। छोटा वाला बल्ब मैंने जला रखा है, वो सो देखिए ये वाला इसी वाट का, क्योंकि उसे बिल्कुल अंधेरा पसंद नहीं है। बाकी जो हमारे दो अनमोल रतन हैं, क्या कर रहे, देखो टीवी भी लगा रखा है यहाँ पे और फोन भी देख रहे हैं, यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। शंभू बच्चा बुआ के साथ ही रहता है वो ज़्यादातर, बुआ उसकी फेवरेट है। वैसे फेवरेट उसके शंभू के दादा हैं, मतलब दादा को देख के सबसे ज़्यादा खुश होता है, बट रहता है दिन भर मम्मी के पास और बुआ के पास जाता है। दादी के पास भी रहता है वैसे, लेकिन खिलाने के लिए जब सब काम कर रहे हो तो यहाँ पे बुआ है, बुआ ऑन ड्यूटी रहती है हमेशा। ये हो गया है एंड ये मेरी थाली। चावलों में हल्दी डाली थोड़ी सी ताकि सेरे भुने हैं और ये है मटर पनीर। क्या डालो ठीक है, मैं लेके चलती हूँ। मैं तो हाथ से खाती लेकिन चम्मच क्यों। मेरा बाकी सबका खाना बन गया है, मटन और चावल। मेरे लिए तो कुछ और बना है, तेरा मन खराब होगा ना। कहाँ कर रहा है तू बुल्ली के साथ? अभी दीपू बनाया गया ये स्पेशल अपना सैंडविच। कौन सा सैंडविच है? वेज सैंडविच। हाँ। गरम तो नहीं है? नहीं गरम नहीं। अब बोल कैसा खाएगा? दीपू का स्पेशल सैंडविच। तीन तीन लगाए तो ना, जला भी दिया साइड से। गन्नू गन्नू देख, मौसी ने सैंडविच बनाया है, टेस्ट करूंगा बैठ के। सुना इसने हो जाना बेहोश खाने के बाद, इतना गंदा बना। दीपू से चाय बनाने के लिए बोला, उसने पूरा फरेबान भर के चाय बना दी, मतलब उसमें नाखून में नाखून ने इतनी भी जगह नहीं बची। तो चाची के चाची कह रही तो बाहर कहे तो सुबह दिन रात आप चाय पीने वाली। मैं वहाँ सब चाची चाची बोलते रहते थे, नेहा वगैरह सब, तो मुझे चाची की आदत है। और गुन्नू तो दीपू को रात में खाने में भी चाय मिलेगी, सुबह नाश्ते में भी चाय मिलेगी। शंभू खेल रहा है, उसने तो टमाटर भी डाले हैं। ना तो नहीं चाहिए पर सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, बढ़िया। गुन्नू रोना नहीं है, मम्मी हाथ धो के आएगी तब पकड़ेगी। तो अभी ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, गुन्नू साथ कब टाइम बीतता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हमारा एक छोटा बच्चा भी और है जिसका नाम है सिवान, तो दोनों साथ कब दिन जाता है पता ही नहीं चलता। बट अभी रात का डिनर बन रहा है, मूली के पत्तों की भुज्जी और रोटी। रोटी ना मैंने मम्मी को बोला हाथ वाली बनाने के लिए, मम्मी बनाती इतनी मोटी रोटी बनाती है, करीबन एक रोटी मतलब आई थिंक नॉर्मली चार रोटी के बराबर तो होती होगी भाभी। मम्मी की तो पांच रोटियों के बराबर एक रोटी होती है, वो मम्मी बहुत मोटी बनाती है, सही होती तो मैंने बोला वही वाली रोटी बनाना, पापा को भी पसंद है। हाँ तो मैंने बोला है कि मोटी रोटी बनाने के लिए हाथ वाली, जो बेलते नहीं है हाथ से बनाई जाती है तो मोटी, वो रोटी बनेगी। मूली के पत्तों की भुजी सिंपल, बिल्कुल नमक मिर्च डाल के और कुछ नहीं, नो आलू नो नथिंग,
काफ़ी पसंद है मुझे। तो आज डिनर भी वही बनने वाला है और बाकी फिर गुन्नू को नहलाना भी है। गुन्नू नहा के चुप सो जाती है, तो जब तक तो रोटी बनेगी तब तक वो नहा लेगी तो चुप करके सो जाएगी। अभी खेल रही है अभी शांति से मौसी के साथ खेल रही है आराम से। और शिवू दादा के पास है क्योंकि मेरी भी कमर पता गई थी उसे बैठे बैठे लेके। तो खाना तो ऑलमोस्ट बन गया, रोटी जा रही है और वहाँ पर तो गुन्नू को नहाया जा रहा है, रो रही है वो। नहाना पसंद नहीं है अभी, बाद में आ जाएगा। एंड ये अभी ना शिवांश का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो उसकी पेस्ट्री है थोड़ी सी मैं खाने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं, बाहर का मैं नहीं खा रही। इसलिए एक बाइट कि मेरे लिए तो बन रही है भुजी और रोटी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मूली के पत्तों की भुजी एक बाइट शिवांश के नाम की। गाइस गुन्नू सो गई हमारी, इसके मामा मामी इसके लिए मच्छरदानी लाए हैं नई आज तो मैंने, और अगले क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ, पेड़ पौधे हैं ना तो बहुत मच्छर, और डेंगू फैल रहा है तो बहुत ज़्यादा डर है। एंड मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ मोटी रोटी, उसमें कह रही थी मोटी मोटी हाथ की बनी हुई, एंड भुजी मूली के पत्तों की, ये मेरी फेवरेट है। मैं सुनना नमक और मिर्च ज़्यादा, नो हल्दी नो धनिया और कोई भी मसाला नहीं, सिर्फ नमक और मिर्च और छौंका जो लगता है ना वो सरसों के दाने से, राई के दाने से लगता है। मैं दिखाती हूँ ये दिख रहे हैं, लाइटिंग थोड़ी वैसे है तो ऐसा ब्लर सा आ रहा है, ये इससे छौंका लगता है। प्याज नहीं जाता, टमाटर कुछ भी नहीं, एंड ये मेरी फेवरेट है। तो मैं अपना डिनर कर रही हूँ और उसके बाद मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुन्नू सो गई है, अभी थोड़ा सोती रहेगी एक दो घंटे तो सोएगी आराम से, फीड वगैरह कर लिया तो पेट भी भरा, आराम से सोएगी नहा के, तो बहुत अच्छा ही सोती है। तो मैं इस व्लॉग का एंड भी यहीं कर रही हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एक अलग व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में, बाय।